अस्सलामुअलैकुम, मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको। आज की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको अपनी भैंसों का चारा, ज्वार। इसे कहते हैं ज्वार, ये है ज्वार। मैं अपने जानवरों के लिए उगाई है मैंने। इससे जानवरों को खिलाने का ये फ़ायदा है कि जैसे कि इसे खिलाएँ भैंस को खिलाएंगे, इसका दूध बढ़ जाएगा, उसका दूध बढ़ेगा इसे खाने से, ठीक है। वो दूध का इजाफा ज़्यादा हो जाएगा आपको। अग्रवा अस्सलामुअलैकुम। बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखें, ये देखें, जैसे कि मैंने ज्वार की खेती हुई है। मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे काश्तकारी करें, इसे भैंसों को खिलाएं। जितनी भैंसें आपका ये चारा खाएंगी, ज्वार खाएंगी, उतना इजाफा आपके दूध में होगा। जो 5 किलो दूध देती है, ये देखिए, जैसे ये सब जो गायें भैंस 5 किलो 4 किलो दूध पे खड़ी है, उसका इजाफा 2-2 किलो 2.5 किलो में हो जाएगा ज़्यादा। आप जितनी कोशिश करें इसे ज्वार को उगाएँ और उनका चारा ये बनाएँ, ठीक है। नहीं, आप एक बात बताएं, ये किस तरह उगाते हैं, स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग में इसे हल चलाते हैं। अच्छा, पहले हल चलाते हो? जी, हल लगा लिए हमने। हल लगा के फिर इसका बीज छटते हैं। बीज छट लिया, 2-5 तो 6 दिन इसे पानी नहीं लगाते हैं, ठीक है। कुरी पड़ी रहती है। ओके, कुरी पड़ी रहती है 5-6 दिनों में, देखते हैं आप ये उग रही है थोड़ी थोड़ी सी। ओके, इतनी इतनी सी टहनियाँ जब निकल आती हैं सब की, ठीक है, तो फिर हम आके अपनी डिग्गी चलाते हैं, ठीक है। डिग्गी चला के इसे पानी देते हैं, पानी लगाते हैं, सारा पानी देकर फिर इसे छोड़ देते हैं। फिर जब हम 8-10 दिनों के बाद फिर आते हैं, ये माशाल्लाह काफी इतनी हो पड़ी होती है जी। इसे के दो, इसका ये फायदा है कि इसमें ज्यादा खर्च नहीं है। अच्छा, हाँ, इसमें खर्च कम से कम ढीला तो ढीला कम खर्चा है इसका। मैक्सिमम बता देना कितना खर्चा है इस पर। इसका अगर 2-3 एकड़ लगाने हो तो इसका 25-30 हज़ार का खर्चा है। यानी कि टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस पर वो 25,000। हाँ, अच्छा। इससे कि ये है कि आपके पास जानवर हैं, 10-12 जानवर हैं, वो अच्छा चारा इसका खा सकते हैं, ठीक है। 6 महीने के लिए इनका चारा बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उनके इजाफा दूध में भी हो जाता है। वो ये वाला खर्चा हम उधर से निकाल लेते हैं, सही है, ठीक है। माशाल्लाह हमारे जानवर भी खुशहाल रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, मजे के साथ रहते हैं। दूध हमें सुबह भी माशाल्लाह, अगर 10 जानवर हैं तो 2-2 किलो एक एक में से ज्यादा आ जाता है। अरे सर, हम आपसे एक बात और पूछेंगे, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है ज्वार। ज्वार जी। ये आपने अब कितना किले, मीन्स आप किले कहते हो इसको, किले बोलते हैं? नहीं, एकड़ कहते हैं। एकड़, सॉरी, कितना एकड़ आपने अपने इसकी ग्रोइंग की हुई है? 8 एकड़। हाँ, पिछले साल मैंने लगाए थे इसके 5 एकड़, ठीक है, क्योंकि मेरे जानवर थे थोड़े से ज्यादा कम, ठीक है। अब मैंने 3-4 जानवर माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे और दिए हैं, माशाल्लाह मैंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने इस बार 10-12 एकड़ लगाए हैं, ठीक है। तो मेरे जानवरों के लिए ये चारा है, ठीक है, क्योंकि मेरे जानवर खुशहाल रहेंगे तो हम भी उनकी मतलब कमाई खाएंगे, ठीक है। उनको जितना खिलाएंगे उतना उनसे कमाएंगे, सही है। जितना चाहिए अच्छा चारा दो उन्हें, अच्छी कमाई करो, अच्छा दूध लो उनसे, ठीक है जी। ये चीज है, आपको भी मैं दिखा दूँ, ये जरा दिखाएं। ये अक्सर देखे हमने, कुछ ढीले हैं, कुछ घने हैं, क्या वजह? ढीले नहीं है, कुछ घने नहीं है, सारे ये घने हुए हैं। अच्छा, हाँ, जो आप ये देख रहे हो ना, ये चीज और है, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रासी, इसे कहते हैं तला। तला, हाँ। अच्छा, हाँ, ये खुद ब खुद उग जाता है पानी की वजह से। अच्छा, हाँ, यानी कि इसके लिए आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती? कोई स्ट्रगल नहीं है हमारी, हमारी स्ट्रगल सिर्फ ये ज्वार है। ज्वार, ठीक है। आप ये देख रहे हैं जैसे हुई है, या जब बड़ी होती जाएगी या छांका। नहीं नहीं, माशाल्लाह प्यारी तो लग रही है बहुत ज्यादा और बहुत ही अच्छा। क्यों नहीं प्यारी लगेगी, हमने मेहनत की हुई है। अच्छा, ये अक्सर चीज यहाँ पर हबस बहुत होती है, क्या वजह? हवा बहुत कम, ये अभी हवा तो रुकी हुई है गर्मी की वजह से, गर्मी की शिदत बढ़ रही है क्योंकि गंदमों की कटाई हो रही है। जैसे कि अब हवाएं चलेंगी, आपका दिल करेगा अब यहाँ से जाए ना कहीं, ठीक है बॉस, ठीक है जी। आप कोशिश करें, आप भी ऐसे खेती बाड़ी करें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस काश्तकारी के बारे में बताया, आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।